हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काम करेंगे अर्जुन ट्री के ऊपर, टर्मिनालिया अर्जुना। इस ट्री को मैंने लाया था फ्रॉम जलराम नर्सरी एंड आज हम लोग इसको रिपोर्टिंग करेंगे, इसको बोनसाई पॉट में लगाएंगे इन बोनसाई सॉइल। सो स्टे ट्यून्ड टू थ्रिलर बोनसाई। सो दोस्तों, चलिए काम स्टार्ट करते हैं ऑन आवर अर्जुन ट्री। ये है अपना अर्जुन ट्री जिसको मैंने जलराम नर्सरी से लाया था एंड अभी सबसे पहले इसको जो नर्सरी से लाया था उसकी वजह से ये प्लास्टिक बैग में है। सबसे पहले इस प्लास्टिक बैग को अपने को निकालना पड़ेगा, फिर सॉइल को लूजन अप करना होगा। सो चलिए वो अभी स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं ये प्लास्टिक बैग को पहले ओपन अप करता हूँ। सो अभी ये सॉइल को पहले पुरानी जो क्ले सॉइल है उसको निकालना पड़ेगा। स्टेपरी से उसको निकाल देते हैं। अभी सॉइल को रेक करना चालू कर देते हैं हम लोग। तो ये नीचे रूट है बहुत बड़ा, इसकी वजह से ये प्लास्टिक बाहर नहीं आ रहा है। सो अगर हाथ से भी निकल रहा है तो हाथ से भी निकाल सकते हो। सो थोड़े रूट्स को डैमेज थोड़ा कम होगा हाथ से निकालेंगे तो। रूट रेक को भी यूज करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ी देर के बाद। देख सकते हो आप कि रूट्स कैसे ड्राई है, बस इवनली मॉइस्चर मिलता नहीं है इन दिस सॉइल। सो कुछ कुछ रूट्स जो है वो ड्राई लग रहे हैं। पुरानी सॉइल जो है तो हम लोग साइड में डालते हैं पहले। यहाँ पे पुरानी सॉइल दिख रही है एकदम, स्टार्टिंग में लगता है ये रेती में लगाया था, कटिंग से ग्रो किया है लग रहा है इसको, तो सैंड में कटिंग लगाया होगा to get more roots. क्योंकि बहुत ज्यादा रूट्स दिख नहीं रहे मुझे, hardly few of the roots I'm able to see. एंड ये नीचे है
जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है या कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी जहाँ पे होता है वहाँ पे रूट ज़्यादा आते हैं। सो अगर नीचे के एरिया में अगर ज़्यादा मॉइस्चर कंटिन्यूस रहेगा तो वहाँ पे रूट्स आने के चांसेस ज़्यादा है। लेट्स सी कि रूट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नीचे तो डेफिनेटली है, लॉन्ग रूट्स है तो काफ़ी काम करना होगा इस ट्री के ऊपर अपने को। ये लॉन्ग रूट्स अपने को नहीं चाहिए, सब रिमूव करने होंगे एंड कुछ रूट्स रख सकते हैं, बट दोज आर वेरी फ्यू ऑफ देम। मेजॉरिटी ऑफ द रूट्स लगता है नीचे ही है। ऑलमोस्ट वी आर डन, पुरानी सॉइल ऑलमोस्ट निकल गई है। सो दैट्स इट, अभी इसको थोड़ा वॉश करेंगे हम लोग अच्छे से। जो पुरानी सॉइल है उसको मैं फेंक देता हूँ। अभी इस रूट्स को थोड़ा वॉश करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो बहुत लंबे रूट्स है वो शॉर्ट करने होंगे अपने को, वी डोंट वांट सच बिग रूट्स। सो पहले मैं वो करूंगा। ये बहुत लंबा रूट है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, काफी लंबा है, इसको भी थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ये भी लंबा है, इसको भी शॉर्ट करते हैं। एंड ये भी, सो अभी इसको थोड़ा वॉश करते हैं। एंड ये भी अपने को रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग कौन सा पॉट में लगाएंगे। सो डेफिनेटली अपने को ये जो टैप रूट है नीचे का वो नहीं चाहिए होगा अपने को। सो वो अपने को रिमूव करना होगा। पहले इसको वॉश करते हैं हम लोग और बाद में रिमूव करेंगे। सो रूट्स का डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, डेंसिटी काफ़ी कम है रूट्स का, पर जितने भी रूट्स है अपने पास इंश्योर करना है कि उस रूट्स में वो ट्री को हेल्दी रख पाए हम लोग। सो दैट्स द थिंग दैट वी आर गोइंग टू ट्राई टुडे। पूरा मॉइस्ट नहीं हो पा रहा है तो ऊपर से थोड़ा स्प्रे मारता हूँ। अच्छा, डीप क्लीन काफी हो गए हैं। अभी इसको प्रून करना है तो ये बड़ा कट लगेगा, इसको शार्प टूल लगेगा, वो मैं लेके आता हूँ। सो अभी इसका जो बड़ा रूट है उसको हम लोग को प्रून करना होगा। एंड वी हैव टू कीप इन माइंड दो चीज़ें, एक तो वो बोनसाई पॉट में फिट होना चाहिए, वो भी हम लोग चेक करेंगे। एंड दूसरी चीज़, वी हैव टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ दिस ट्री। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही प्रून कर दिया एंड इट्स नॉट एबल टू रिवाइव, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये पॉट में फिट भी हो एंड एट द सेम टाइम उसकी हेल्थ को भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सो डेफिनेटली जो नीचे के रूट्स है वो अपने को प्रून करने होंगे। ऊपर के रूट्स हैं लंबे लेकिन वी डोंट वांट दिस मच हाइट ऑफ दिस ट्री डेफिनेटली। सो शायद पहले थोड़ा सा प्रून करके देखते हैं हम लोग। विल प्रून मोस्ट इन हियर,
यहाँ तक प्रून करके देखते हैं कि क्या वो फिट हो रहा है. इफ़ नॉट विल गिव अ मोर कट. सो यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ इसको ऐसे. सो ये अपना जो पुराना रूट था काफी थिक था वो अभी चला गया है. अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये काफी हद तक फिट हो रहा है, बट स्टिल ये रूट काफी लंबा है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. सो ये वाले रूट को भी थोड़ा शॉर्ट करना होगा अपने को, एक ही बेस लाइन में लाना होगा. सो जहाँ पे हम लोग ने इसको प्रून किया है उसको थोड़ा फ्लश कर देंगे ताकि सब कुछ एक ही लाइन में आना चाहिए अपने को. बेस ऑफ द ट्री शुड बी गुड. एंड उसी लाइन में मैं इसको भी प्रून करूंगा. दैट्स इट. सो ये हो गया अपना बेस रेडी. एंड ये जो रूट्स है ये शायद थोड़े ऊपर रहेंगे. इफ वी प्लेस अवर प्लांट लाइक दिस देन वो थोड़े रूट्स तो ऊपर रहेंगे ही, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दे विल डेवलप अ नाइस रेडियल रूट स्ट्रक्चर. सो वी विल वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस टू दिस ट्री. सो आई थिंक इससे ज्यादा प्रून करना इज नॉट अ गुड आइडिया. सो मैं इतना ही प्रून करूंगा इन रूट्स को. एंड चलिए अभी थोड़ा सॉइल जो है वो भर देंगे हम लोग पॉट में, इससे ज़्यादा प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं. सो इनिशियली नीचे के लेयर में एक लेयर ऑफ सॉइल में डालूंगा पहले. सबसे पहले ये पॉट में यूज़ करूंगा जिस स्टैंडर्ड कौन सा पॉट जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ. एंड लेट्स पुट लिटिल बिट ऑफ सॉइल वाटर, ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ मैं, आई नो कि इसको फिट करना है. Needs more space. So, ये थोड़ा soil डाल दिया मैंने. And इसके ऊपर I'm just going to place this tree like this. Just like this. And definitely I'll be looking at the front of this tree. So, ये होगा अपना front of this tree because it has branches on the side. So, this looks good as a front of this tree. And अभी हम लोग इसको fit करेंगे इस pot में. तो ये ऐसे रूट्स हैं उसके, दे गोइंग टू सेटल लाइक दिस इन द पॉट. थोड़ा सा मैं मॉइस्ट कर देता हूँ उनको पहले से ही, उनको मॉइस्चर मिले. देन इसको बस प्लेस करना है सही तरीके से. ये जो रूट्स हैं उनको स्प्रेड आउट करना है इन अ रेडियल पैटर्न ताकि दे विल डेवलप इन अ बेटर वे. एंड फिर देखेंगे इज इट द सेंटर. आई विल लुक फ्रॉम द टॉप. So that looks to me like it's the center. And चलिए अभी इसमें थोड़ा हम लोग soil add करते हैं. So ये है अपना bonsai soil, fresh newly created bonsai soil. मैं डालने वाला हूँ इसके ऊपर. यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये सारे रूट जो है दे आर गोइंग इनसाइड द सॉइल. ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज ये ऊपर ही रह रहे हैं रूट्स. वी वॉन्ट द रूट्स टू गो डीप बिलो. सो लेट मी थिंक वॉट टू डू बिकॉज ये तो हवा में ही रहेंगे. शायद अपने को और थोड़ा बेस थोड़ा प्रून करना पड़ेगा. आई थिंक वी नीड टू डू दैट, वी नीड टू रिमूव इट. थोड़ा बेस और प्रून करते हैं. सो अनडू चेंजेस.
बेस थोड़ा और प्रून करना होगा बिकॉज हाइट नहीं मिल रही है प्रॉपर। सो एक इंच और, उससे ज़्यादा नहीं, मैं इसको प्रून करूँगा। इससे काफी फर्क पड़ सकता है। ओके सो दिस इज बेटर आई थिंक देन बिफोर। अगेन वी आर चूजिंग द सेम फ्रंट फॉर दिस ट्री। लिटिल ट्रिकी टू सर्वाइव दिस ट्री बिकॉज अभी ड्राई सीजन है, अगर ह्यूमिडिटी रहता तो वुड हैव बीन इजियर फॉर द ट्री टू रिवाइव। लेकिन अभी पूरी तरह से इट्स ड्राई सीजन मुंबई। लेट्स होप दैट इट मेक्स इट। सो ये इनिशियली हम लोग का सॉइल, फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल आ गया है एंड अभी थोड़ा सॉइल हम लोग अंदर घुसाएंगे एंड ट्री की पकड़ को मजबूत करेंगे। सो ये हो गया अपना रिपोर्टिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल अर्जुन ट्री। सो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक इसके बारे में, विल इट सर्वाइव और नॉट, क्या लगता है आपको
कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल ट्री। अभी इसको हम लोग पूरी तरह से वाटरिंग करेंगे एंड शेड में रखेंगे एंड अलाउ इट टू रिकवर। इसके अपडेट्स में अपकमिंग वीडियोस में देते रहूंगा। सो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के हमारी अपडेट की तरफ। आज के अपडेट में है ये ब्यूटीफुल लिंडन ट्री जो कि इस क्लाइमेट का नहीं है एंड फिर भी इसके सारे लीव्स जो थे वो जड़ गए थे इन दिस फॉल सीजन, सारे जड़ गए थे एंड एक जो सीडलिंग है उसने नए शूट्स प्रोड्यूस किए हैं। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी हियर ये एक नया बर्ड आया था यहाँ से एंड वहाँ से न्यू लीव्स आए हैं। और तो इतने हेल्दी नहीं लग रहे, थोड़ा सा कलरेशन है, डिसकलरेशन है, वेन्स उसके ग्रीन है एंड बट स्टिल दिस हार्ट शेप लीव्स आर वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। एंड ये पुराना लीफ अभी भी बचा है इस पर। So it's alive and it's doing good. So happy to see that for this linden tree. And second tree in our update is your pear tree, Prius communis, जो इस क्लाइमेट का नहीं है। दोनों ट्रीज को मैंने सीड से ग्रो किया था which I imported from UK. And pear tree में you can see that only one tree has survived. बाकी सबके जो leaves थे वो सब drop होने के बाद new leaves आए थे but new leaves सब black हो गए हैं and वो black होने के बाद It's looking like it's not survive. But ये जो center वाला tree है, that is looking okay. It is producing new growth. ये कल परसों उसके दो new leaves आए हैं. So वो नई growth definitely produce कर रहा है. Although it is looking like it is struggling, but still it is alive. So आज के update में ये दोनों trees थे अपने, linden tree and pear tree. Both are alive, but not that healthy. Let's see what happens in future. So guys, that's it for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फिलर बॉन्साई फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। गुड बाय फ्रॉम माय सेल्फ फॉरवर्ड। टेक केयर।